हमारी आंखें कुदरत का दिया वो नयाब तोहफा है जिसे सारी दुनिया की रंगीनी सहित अच्छी बुरी चीजें देखी जा सकती हैं। कवियों ने तो उपमाएं देकर आंखों का बखान किया है, अपनी कविताओं में, अपनी गजलों में। कहते हैं कि जब जुबान खामोश होती है तो आंखें बोलती हैं। इसीलिए आंखों के बारे में जानना और इनकी सुरक्षा करना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको कुछ वैसे उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाने से आपकी नज़र बांझ जैसी पैनी हो जाएंगी। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठें और उठते ही मुंह में पानी भरकर बंद आंखों पर 20 से 25 बार ठंडे पानी के छींटे मारें। यहाँ एक बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि मुंह पर छींटे मारते समय या चेहरे को पानी से धोते समय मुंह में पानी भरा होना चाहिए। इसके अलावा बहुत दूर के पदार्थों या दृश्यों को देर तक नजर गड़ाकर न देखें, तेज धूप से चमकते दृश्य को न देखें, साथ ही कम रोशनी में लिखना पढ़ना और बारीक काम न करें। साथियों, अगर आप अपनी आंखों को स्वस्थ और हाइड्रेट रखना चाहते हैं तो आंखों की एक्सरसाइज भी बेहद जरूरी है। इसके लिए आप अपनी आंखों को नियमित अंतराल पर मूव जरूर करें। इस दौरान सबसे पहले स्क्रीन से नजर हटाकर सामने देखें, इसके बाद दाएं ले जाएं और फिर बाएं ले जाएं। इस योग को रोजाना सुबह और शाम कर सकते हैं। इसके अलावा हथेली रगड़ने की एक्सरसाइज भी नजर तेज रखने में बेहद कारगर होती है। इसके लिए आप अपनी दोनों हथेली को रब करें, जब भी समय मिले आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आंखें स्वस्थ रहती हैं और नजर भी पैनी होती है। इसके अलावा आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए पलकों का सहारा भी ले सकते हैं। इसके लिए काम के बीच में 1 या 2 मिनट का ब्रेक लें, मन को शांत कर लें और 3 से 5 सेकंड का गैप रखते हुए अपनी पलकें झपकाएं। इससे भी आपकी आंखों को काफी फायदा मिलेगा। साथियों, इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मसलन स्क्रीन टाइम घटाएं, जरूरत पड़ने पर प्रोटेक्टिव आई ग्लास पहनें, आंखों की साफ सफाई का खास ख्याल रखें, अपने कॉन्टेक्ट लेंस को साफ रखें, रोजाना एक्सरसाइज करें, खान पान का विशेष ख्याल रखें, शराब और धूम्रपान कम कर दें, नेत्र रोग विशेषज्ञ से नियमित जांच कराएं और आई स्पेशलिस्ट का सलाह का पालन करें।